तो आपको बता दें कि सबसे पहले जानकारी दे दी गई थी फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से कि यशपाल गहलोत का टिकट कट सकता है, और वही तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं जो समर्थकों की नाराजगी है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। किस तरीके से ट्रैफिक जाम करने की कोशिश वहां की जा रही है, ये नाराजगी है। अपने नेता को लगातार टिकट दिलाना चाहते थे, टिकट भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जब जगह बदल दी गई तो उसका ये विरोध लगातार जो उनके समर्थक हैं वो जता रहे हैं। आपको बता दें कि ये संभाग जो है सबसे ज्यादा मुसीबत बना हुआ है नेताओं के लिए, पार्टी के लिए, और इसी के चलते अब ये विरोध की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कों पर उतर चुके हैं यहाँ यशपाल गहलोत के समर्थक। तो एक तरफ तो खुशी का माहौल नजर आ रहा है बीडी कला खेमे में, लेकिन दूसरी तस्वीर नाराजगी की आप देख सकते हैं। यशपाल गहलोत के जो समर्थक हैं अब वो सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो बगावती तेवर रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ये नेताओं के समर्थकों की जो नाराजगी है वो लगातार खुलकर सामने आ रही है। तो सबसे पहले टिकट दिया गया था यशपाल गहलोत को, लेकिन बाद में उन्हें दूसरी जगह से टिकट दे दिया गया और बीडी कल्ला को यहां से टिकट थमा दिया गया, क्योंकि उनके जो समर्थक थे वो भी लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे थे। तो यशपाल गहलोत बीकानेर ईस्ट की जगह उन्हें वेस्ट से टिकट दिया गया, उनकी सीट बदल दी गई, और जिसका विरोध ये समर्थक यहां जता रहे हैं। तो आपको बता दें कि समर्थकों में इस बात की अफवाह फैल गई है कि कन्हैया लाल झवर जो है उनको दोबारा से टिकट दिया जाना है। तो इसी को लेकर, इस अफवाह को सुनकर ये जो समर्थक हैं वो अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको बता दें कि डूडी ने भी इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी और खुले तौर पर कह दिया था कि अगर झवर को टिकट नहीं दिया गया तो वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये साफ साफ ऐलान कर दिया गया था डूडी की तरफ से। लेकिन अब यशपाल गहलोत के समर्थकों में जैसे ही इस बात की अफवाह फैली कि उनका टिकट काटकर कन्हैया लाल झवर को दोबारा से टिकट दिया जा सकता है, तो वो सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। माली समाज के लोग इस वक्त विरोध प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं। बीकानेर में सियासी घमासान लगातार जारी है और नेताओं की तरफ से लगातार बातचीत का दौर भी चल रहा है, मनाने की लगातार कोशिशें की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि एक तरफ डूडी नाराज है, उनको मनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, और ये बात राहुल गांधी तक पहुंच चुकी है, लगातार उनसे भी बातचीत की जा रही है, क्योंकि खुले तौर पर डूडी की तरफ से भी ऐलान किया गया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे अगर कन्हैया लाल झवर को टिकट नहीं दिया गया। तो टिकट कटने की सूचना पर यह हंगामा लगातार देखा जा रहा है, और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय पारिक। संजय, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं अफवाह फैली और उसके बाद ये समर्थक यशपाल गहलोत के सड़कों पर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो यशपाल गहलोत के टिकट कटने की सूचना आई उसके बाद से ही समर्थक है वो आक्रोशित है और यहाँ पर आगजनी की गई है, तोड़फोड़ यहाँ पर हुई है। बड़ी संख्या में जो माली समाज के लोग हैं और जो अन्य समर्थक है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गुलाम रसूल है कैमरामैन, वो तस्वीरों में आपको दिखा पा रहे होंगे किस तरह से जो आगजनी है वो यहाँ पर की गई है। साथ ही जब पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर पहले पहुंची थी तो उनको भी यहाँ से भगा दिया गया था। अब जो माहौल है उसको देखते हुए जो आरएसी के जवान है वो यहाँ पर बुलाए गए हैं, पुलिस जाब्ता यहाँ पर पहुंचा है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जबरदस्त पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है और हालात है वो तनावपूर्ण है वो बने हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में जिस तरह से हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं, अभी भी पत्थरबाजी है वो यहाँ पर हो रही है, हालांकि पुलिस द्वारा समझाइश के प्रयास है वो किए जा रहे हैं। बिल्कुल संजय, और यशपाल गहलोत कहाँ है इस वक्त, कुछ जानकारी है उनके बाबत? जी हालांकि उनके बारे में अभी जानकारी है वो नहीं मिल पा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो यशपाल गहलोत के जो टिकट पर पुनर्विचार की जो घटना है, जो मामला है वो सामने आया, सूचना जैसे ही मिली तो ये समर्थक है वो आक्रोशित हो गए। इससे पहले भी गोगा गेट पर इन समर्थकों ने है वो जाम लगाया था और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया था, अब ये समर्थक है वो और उग्र हो गए हैं और यहाँ पर जो आगजनी है वो की गई है और हालात है वो बेकाबू होते कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं, जिसके चलते आरएसी के जवान है वो यहाँ पर बुलाए गए हैं। जी बिल्कुल, तो दो तस्वीरें भी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बीकानेर पूर्व से कन्हैया लाल झवर की जगह यशपाल गहलोत, और आपको बता दें कि कुछ और जो उम्मीदवार थे वो बदल दिए गए थे, और उसके बाद ये जो विरोध